भाई आई हैव ओपन्ड माई ऑनलाइन क्लोथिंग बिजनेस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे हो गए, मैं भी काफी अच्छा हूँ। और भाई आज जो हमें चीज रिसीव हुई है ना, ये है, ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई देखो, इतना बड़ा बॉक्स है ये। तो इसमें क्या चीज है, जिसको मैं सर्च कर रहा था ऑनलाइन इसकी यूट्यूब पे वीडियोस, बट भाई इसकी वीडियोस है ही नहीं यूट्यूब पे। तो फिर क्या था, मैंने सोचा भाई अगर इसकी यूट्यूब पे वीडियो नहीं है तो ये हमारा दायित्व तो बनता है कि भाई अगर हम ले रहे हैं तो इसको यूट्यूब पे डालें ताकि लोग अच्छे से इसको देखें, जिसको लेना है वो ले। तो चलो भाई इसको अनबॉक्स करते हैं, इसको प्रॉपर असेंबल करना पड़ेगा हमें। अभी तो ऐसे इसके पार्ट्स में आते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। ये है, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसको असेंबल करना पड़ेगा। ये सारे स्टाइल है, ये जो मैंने मंगाया वो ये स्टाइल है। तभी इसमें यहाँ पे टिक लगा हुआ है। तो मैंने इसके जो टेप ट्यूब है वो सारी खोल दी है। और ये देखो भाई, ये है इसका सामान। इसमें ये लंबी रॉड्स हैं। इसका प्रॉपर तामझाम लेके मैं नीचे बैठ चुका हूँ। अब इसको असेंबल करते हैं प्रॉपर और भी देता हूँ। तो भाई ये ऐसे अलग से होंगे, तो आपको इस रोड में ऐसे बैंड वाले रोड में ना इसको ऐसे लगा देना है। यहाँ पे इसके साइड में दो पेच हैं, आप देख सकते हो। ये पेच को आप इस साइड से निकालोगे, इस साइड से ऐसे जैसे निकला हुआ है, और यहाँ पे ये रॉड लग जाएगी। इसके पेच यहाँ से आ रहे हैं और इस वाले के पेच यहाँ से आ रहे हैं। अब ये वाले जो रॉड है लंबी लंबी भाई गिरे जा रहा है। अब ये वाली रोड है जो लंबी लंबी, ये मैं यहाँ से अटैच कर दूंगा इसको। वैसे यू हैव एलन की ऑल्सो, आप इससे टाइट कर सकते हो। देखो जैसे ये एक प्रॉपर रेडी हो गया काफी कॉमेडी सा लग रहा है। तो बस ऐसी आपको चारों साइड जोड़नी है। वैसे मैंने इसको सेट कर दिया प्रॉपर, वहां पे दो मैंने ऊपर की तरफ को पेज का मुंह निकाला, इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। देखो इन रोड में ना ऐसे वो बना हुआ है चूड़ी टाइप, और ये ऐसे पेच मैंने निकाला हुआ है। अब ये इसके पेच के अंदर रख के, ठीक है, अब यहाँ से पेच लगा देना। इस एलन की से आप इसको टाइट कर सकते हो, वो टाइट कर रहा हूँ मैं। भाई ये ऐसे अटैच करना, तो मैं सोच रहा था कि भाई ट्यूटोरियल में नहीं देता हूँ उसको असेंबल करने का, पर बट मैंने कहा भाई जो मुझे दिक्कत हो रही है वो मेरे व्यूअर को ना हो, इसलिए मैं आपको साथ साथ ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। सो भाई उसके बाद ना आपको ऐसी वाली रोड लेनी है, आप देख सकते हो ऐसे वाली, और ये सीधा यहाँ पे आप देख सकते हो होल्स हैं। अब यहीं पे पेच लगा के इसको आपको एल एन की से टाइट करना है, इसको भी और उसको भी, ठीक है। भाई ये देखो यहाँ पे दो होल्स हैं और इसके इस साइड पे चार हैं, दो ये रे और दो ये रे। जहाँ पे चार होल्स हैं वो उसकी साइड आपको बाहर को रखनी है, क्योंकि उसमें वो चीज आएगी वैसे हैंगर, वो मैं आपको दिखा दूंगा। सो गाइस अब आप देख सकते हो इसकी लुक कैसे आ रही है, और इसके पेज भी काफ़ी अच्छे हैं। तो उस एलन की से भी आप टाइट कर सकते हो, इधर से भी उधर से भी। और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि अगर कोई और इसको ख़रीदता तो उसको दिक्कत ना हो। रोड मेन है वो इसके ऊपर ऐसे आ जाएगी, और उसके साइड के जो हैं छोटे छोटे से साइड बार्स वो इनके साइड में लगेंगे। मेरे हिसाब से मैं इसकी हाइट बताऊँ तो आराम से 5 फुट है ये। जैसे माई हाइट इज़ 5'10", तो मेरे शोल्डर तक आ रहा है ऑलमोस्ट, तो 5 फुट है इसकी हाइट। सो गाइस अब है हमारे पास ये इनके हैंगर मैनेजमेंट के लिए। तो ये सारे यहाँ लगेंगे इस साइड पे, मैं आपको दिखा देता हूँ ये होल्स है ना सारे। सो भाई हैंगर मैनेजमेंट के लिए है, हैंगर मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ चाहिए तो वो है भाई शांति मेडिटेशन, ठीक है। कि इसके लिए ये होता है कि आपका जो भी आपने हैंगर लगा रखा है वो उधर उधर ज्यादा ना भागे, बस ऐसे करके आपको उसको दबा देना है और ऐसे ही सारे लगा देने हैं। अब सारा काम हो चुका है, अब लास्ट में ये रहते हैं। इसमें जैसे आप अपने साइड में जैसे हैंगर टाइप बना लो कुछ, उसमें अटका सकते हो, जैसे पर्स हो गया, वो कुछ भी हो गया। तो बस इसको लगाने का सिस्टम यही है, ऐसे इसको लगाना है और यहाँ पे पेच लगा देने आपको। ऐसे ही टाइट कर देना है जैसे कि देखो मैंने करे हैं, किया ना मैं इस पे, इधर से मैंने जब ऐसे प्रेशर डाला ना इस पे, तो भाई ये प्रॉपर अंदर हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हो बॉक्स था और अब इतना सा दिख रहा है, तो आप सोच सकते हो कि ऐसे ही लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक विद सिनेमैटिक। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइनली ये स्टैंड मैंने बना लिया, आपको कैसा लगा भाई नीचे कमेंट करके बता देना। और भाई ये मैंने क्यों ऑर्डर किया है मैं आपको बता देता हूँ। भाई आई हैव ओपन्ड माई ऑनलाइन क्लोथिंग बिजनेस, जहाँ से आप घर बैठे भाई अच्छे से अच्छा सामान मंगा सकते हो। और उसमें हमारा मेन मोटिव क्या रहने वाला भाई, हमारा मेन मोटिव यही है कि आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी कम से कम रेट में दिए जाएं। और भाई नीचे आपको मेरा पेज का नाम दिख जाएगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इफ यू फील लाइक बाइंग समथिंग फ्रॉम माई स्टफ, तो भाई चेकआउट कर लेना। मैंने तो बिल्कुल रो तरीके से बना दी, आई डिड नॉट प्लान कि मैं ऐसे बनाऊंगा ऐसे बैठूंगा,
मैंने बस रो तरीके से वीडियो बना दी है। सजना जी मैनु छड के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं।